हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आपका साई एकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए हमारी जो पहली वीडियो थी वो रिलेटेड थी हमारी ज्योग्राफी से, लेकिन आज की जो वीडियो है वो आपको मैं संविधान से रिलेटेड कुछ भाग और उसमें क्या संबंधित है उस भाग से और कितने आर्टिकल से कितने तक है ये बताना चाहता हूँ। ये देखिए आपका ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक नंबर आपको निश्चित रूप से आपको इसमें मिल ही जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं भाग एक, भाग और उसमें जैसे आपका भाग एक है, इसमें भाग एक किससे संबंधित है और कितने आर्टिकल से कहां तक इसका वर्णन किया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एक ना एक नंबर का जरूर मिल जाएगा, एग्जाम में मिलते भी हैं और इसमें ज्यादातर अच्छे से अच्छा कंटेंट है, ये बढ़िया से बढ़िया तरीके से इसमें कंटेंट है। देखिए हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो आंशिक रूप से हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसको पूर्ण रूप से जो लागू कर दिया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो वैसे ही हम उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, वो उस समय की बात है। इस समय की जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट में हमारे संविधान में कुल इस समय 22 भाग है, और अगर आप खंडों को भी मिला लोगे तो कुल मिलाकर 25 भाग है, ठीक है। जैसे कि आपका खंड बोलते हैं, जैसे भाग चार क्या है, भाग नौ में आएगा और आगे भी आएगा, तो वो जो हम आज जो कवर करेंगे केवल भाग एक से भाग नौ तक, और जो भी इसमें जो शेष बच जाएंगे भाग वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए भाग एक, भाग एक में क्या संबंधित है, भाग एक संबंधित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि हमारे जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि हमारे आप लोगों को पता ही है कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। तो भाग एक में क्या वर्णन है, भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये कितने आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 1 से 4 से, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। वैसे ही आपका भाग दो है, भाग दो किससे संबंधित है, भाग दो से में है नागरिकता, नागरिकता है ये कितने आर्टिकल से, अनुच्छेद 5 से 11 तक, सेम। अब वही अब आता भाग तीन, भाग तीन है मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार जो आपके ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये आर्टिकल है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब भाग आपका आता है भाग चार के, भाग चार होंगे तो भाग चार में आपका क्या बढ़े था, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा कितने आर्टिकल से कितने तक है, तो 36 से 51 तक, आपको इतना ही याद करना है ये। अब हम लेते हैं जैसे भाग चार, अब भाग चार का आता है क्या, ये बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में भी आया हुआ है आपके यूपी के टेट के एग्जाम में आया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, बात एक ही होती है मौलिक या मूल, मौलिक या मूल कर्तव्य। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक या मूल कर्तव्यों की संख्या थी 0, लेकिन प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है आपके 11, ठीक है। अब इसमें ये देखिए ये मौलिक कर्तव्य कितने से, अनुच्छेद 51 के, इसमें मात्र एक ही आर्टिकल आता है और ये मौलिक कर्तव्य को लिया गया आपके रूस के संविधान से, ठीक है, जब उस समय रूस को कहा जाता है सोवियत संघ रूस। अब देखिए भाग पांच, भाग पांच किससे संबंधित है, भाग पांच है संघ से, भाग पांच संघ से संबंधित है, इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक, ये आर्टिकल भी बहुत ही आता है। भाग पांच किससे संबंधित है, भाग पांच आपके संघ से संबंधित है, ये अनुच्छेद आता है 52 से 151 तक, ठीक है। अब हम भाग देते हैं अगला भाग पे आते, भाग है हमारा 6, ये संबंधित जैसे आपका भाग पांच संघ से संबंधित है वैसे भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है, ये आर्टिकल कितने से, ये 152 से 237 तक है, ठीक है। अब हम आते हैं भाग 7, ये वाला भाग जो है ये भी बहुत मोस्ट भाग है। देखो भाग 7 में क्या था, भाग 7 में था ये आपका प्रथम अनुसूची में वर्णित राज्य के संबंध में था, इसी से संबंध राज्य के संबंध में इससे विषय थे, और इसमें एक ही आर्टिकल आता है अनुच्छेद 238, ये आपका आता है भाग आपके 7 में अनुच्छेद 238। लेकिन अब इस समय क्या कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन, ये आप मैं अपने तरीके से थोड़ा लिखा है मैंने आपको इजीली हो जाएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया, किस भाग को हटा दिया गया, भाग 7 को, ठीक है, और इसमें आर्टिकल था ओनली केवल 238। अब हम बात करते हैं भाग 8 की, भाग ये वाला भाग 8, इसमें भाग 8
अब हम बात करते हैं भाग आठ की। तो भाग आठ किससे संबंधित है? भाग आठ में संबंधित क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र और राज्य जो होता है आपका स्टेट, उसके क्षेत्रों के बारे में। तो ये आर्टिकल आता है आपके अनुच्छेद 239 से 242, इसमें आर्टिकल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग आठ में किस क्षेत्र से संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगर उसमें आपको आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल बताना आपको 239 से 242 तक। अब हम भाग देखते हैं, भाग नौ। ये हमारा भाग नौ है, ये संबंधित है पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, भाग नौ पंचायती राज। कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके भाग नौ। भाग नौ संबंधित है आपके पंचायती राज से। तो पंचायती राज अगर इसमें पूछने लगता है कि कितने आर्टिकल से कितने तक है पंचायती राज, तो आपको बताना आर्टिकल 243 के क्या, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, और अनुच्छेद 243 के ऐसे 243 अड़े, ठीक है। ये आर्टिकल अब हम देखते हैं। देखो आप जैसे मोस्टली पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये किस संविधान से लिए गए, तो ये आपको मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एक आगे कि ये सोर्स से बताऊंगा कि कहां से कौन सा संविधान से क्या लिया गया है। ये चीजें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये जो आपको मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य ये हमारे रूस के संविधान से लिए गए, ये बहुत ही मोस्ट है और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा ये जोड़े गए थे, ठीक है। वैसे ही अब हमने जो भाग कितने कवर किए, हमारे भाग एक से भाग नौ तक हमारे जो भी शेष भाग रह गए हैं, जितने भी रह गए हैं मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस चीज के लिए कि कितने भाग रह गए, जैसे नौ नौ के बाद था दस, जो भी रह गए वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। और ज्यादा नॉलेज के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसी अच्छी कंटेंट कैसा लगा, और लाइक करें, और आगे से आगे जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।